इन 4 मिनट्स के अंदर 28 पॉइंट इकट्ठा करके इस एक टीम ने एक अलग लेवल का एग्रेशन दिखा दिया। बट मान्या मूव्स फॉरवर्ड, गेट सम गुड पॉइंट्स एंड यहाँ पे देखिए और भी पॉइंट्स की भूख इनको यहाँ पे खाई जा रही है। समय बिल्कुल कुछ अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। गमला बॉय गेट स्पॉटेड, नॉट गेट टेकन डाउन, बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा स्प्रे, एक अच्छा डैमेज यहाँ पे जरूर से दिया जा रहा है। पोजेस यहाँ पे करने की कोशिश रहेगी इस पर्टिकुलर फाइट को। कुछ और अमेजिंग स्प्रेस 31 पॉइंट के साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अभी हाफ वे तक भी नहीं पहुंची इस मैच के, लेकिन देखिए 31 पॉइंट ले जा चुके हैं। स्काइलाइट्स के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय रहेगा। वेल एग्जैक्टली यहाँ पे स्काइलाइट्स के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे आते हुए देखने का लेवल जा रहा है। जस्ट लुक द लुक एट द रिफ्लेक्सेस टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स एक्चुअली शोइंग आउट राइट वन, किस तरीके का यहाँ पे एग्रेशन निकाल कर दिखा रहा है। आई गॉट जस्ट नो क्लू कि मतलब एक बार में इतना ज्यादा एग्रेशन कहाँ से ला चुका है। देख लीजिए मतलब चल क्या रहा है रेडर यहाँ पे इस मैच के अंदर, मतलब कहीं आगे से कभी पीछे से कभी साइड से कभी बाएं से कभी दाएं से, और देख लीजिए तो जहां पे यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एग्जैक्टली कहना क्या करना क्या चाह रहे हो आप बोल लीजिए। मतलब जहां पे यहाँ पे इधर क्रॉसर घुमाया वही पे यहाँ पे शॉर्ट कनेक्शन बना के एलिमिनेशन निकाल ले रहे ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। भाई साहब ये कौन सा यहाँ पे इधर मतलब यहाँ पे जड़ी बूटी खा के आए, वेल वो हमें भी चाहिए यहाँ पे इतने ज्यादा। यहाँ पे सारे दूसरे टीम के जो प्लेयर्स है बोलते हुए देखने के लिए बजे, क्योंकि अभी भी 4.5 मिनट का जो गेम प्ले बचा हुआ है, अगर इनका बच चले तो वेल लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इधर 4 मिनट से ज्यादा का समय बचा रहेगा। और लीजिए एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया गया है फिर से, वो भी भाई साहब टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स ये मैच 3:30 मिनट के पहले पहले खत्म करने वाले लग रहा है मुझे। पर देखिए ग्लोबल डिसाइड करके आएगी कहीं ना कहीं मैच जल्दी फिनिश करेंगे, हमें जाना है कहीं ना कहीं घूमने फिरने, यहाँ पे निकलना है, खाना पीना खाना है, और एक्जैक्टली कुछ वैसे देखने को मिल रहा है। 2 मोर पॉइंट्स को बहुत ही जल्दी ये चीज़ें चेंज होंगी। फ्रॉस्टी की आप एचपी देख सकते हैं, समय बिल्कुल अच्छी देखने को तो नहीं मिल रही है समय। एंड दैट्स व्हाट नकुल डिड, वो इजीली यहाँ पे ट्रेड निकाल के देते देखेंगे। बट वहीं गमला बॉय की तरफ से नकुल को भी ट्रेड यहाँ पे कर लिया जाएगा। गमला बॉय की खुद की एचपी बहुत कम है समय, उनको ट्रेड आउट करना भी यहाँ पे कहने के काफी आसान देखने को मिलेगा। एक ईजी पिस्टल शॉट इनके लिए पूरी कहानी का एंड बन सकता था, बट वो पिस्टल शॉट अभी तक तो देखने को नहीं मिल पाया। एंड फाइनली सम मोर इन्फोसेक्शन स्प्रेज आर कमिंग अप, डेफिनेटली एक अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश आप इनकी तरफ से करी जा रही है। एंड द लास्ट शॉट कुड कम इन एनी टाइम, कभी भी वो शॉट देखने को मिल सकता है, लेकिन पंच करने की ये जो चुल है फिलहाल इन प्लेयर्स के अंदर वो एक अलग लेवल पे देखने को मिलेगी। गोस फॉर अनदर वन, गोस फॉर अनदर 1v1 कमिंग अप, बट यहाँ पे देखिए वो 1v1 निकल के नहीं आ पा रहा। वो फाइनली यहाँ पे मान्या की बात अगर करी जाए, दे हैड मान्या टू बी प्रिसाइज एज अ प्लेयर हैड 23 फ्रैग्स ऑफ हिज ओन, और रिमेंबर गाइज यहाँ पे पूरी की पूरी टीम स्कैलर्स गेमिंग के पास 24 फ्रैग्स यहाँ पे देखने को मिले। दैट मीन्स स्कोर कार्ड के अंदर मान्या ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी एंड यू कैन ऑलरेडी सी द डोमिनेशन।